करे जो काम करे चंडाल का, बाल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग वीडियो में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं प्यारा से यूट्यूब चैनल चौरसिया जी ब्लॉग। सो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं हाजीपुर के सरसई गांव में, जो कि बेलकुंडा से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर एक विशाल का शिव मंदिर निर्माण हो रहा है और अभी इसका काम चल रहा है। आप उस साइड में जो देख रहे हैं, ऊपर में आप देख रहे होंगे, यही है वो शिव मंदिर। लगभग ऐसा माना जा रहा है यहाँ के लोगों द्वारा कि यह मंदिर जो है मतलब बिहार की राजधानी पटना से देखी जाएगी। अगर ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है शिव भगवान शिव की मूर्ति, तो आप अंदाज लगाइए। देखिए आप ऊपर दिखाइए और यहाँ मतलब कि बिहार की राजधानी जो है पटना, वहाँ के लोग यहाँ की मूर्ति देख सकते हैं। और इसके चारों तरफ जब आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर जो मिस्त्री लोग हैं वो लोग रह रहे हैं और इधर में भी कुछ है शायद सामान सब है जिससे मंदिर का मूर्ति का निर्माण हो रहा है। तो हम आपको ये सभी चीज़ दिखाते हैं, बस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब सामान है जिससे मतलब मूर्ति जो है भगवान शिव के मूर्ति का कंस्ट्रक्शन हुआ था। और यही फार्मा है शायद, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फार्मा ही है और उतना हमको समझ में। तो देख सकते हैं ये है कुछ मतलब कि मूर्ति जिससे बना है ये शायद उसका फार्मा है। हम यहाँ पर जो मिस्त्री भैया लोग घूम रहे हैं उनसे बात करते हैं और मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो ये नाम बतलाइए। मेरा नाम रमेश प्रामाणिक। रमेश ब्राह्मण, क्या नाम हो? रमेश प्रामाणिक। प्रमाणित बंगाल से? बंगाल से है। आप मतलब आप ही लोग मूर्ति बना रहे हैं? हाँ। तो ये क्या है ये सब? ये फाइबर है। फाइबर है, मतलब इसका क्या काम है? ये फाइबर चिपकेगा वो नट बोल्ट से। हाँ। इसके अंदर ये पीस है ना। हाँ। निकल जाएगा इससे मतलब। ओ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये शायद ओ यही है, ये निकल जाएगा मूर्ति से ना। ये डाई से निकल जाएगा। ओ, तो अभी कितना मतलब कि काम हो चुका है इस मंदिर का? कितना हम लोग यहाँ पर आया है? 1 महीना। 1 महीने से आप लोग को अनुमान है जो कितना दिन में बन जाएगा? ये और 1 महीना लग जाएगा। एक महीना में थोड़ी थोड़ी बनेगा? नहीं तो 1 महीना में नहीं होगा। अभी इतना काम हुआ है और मतलब कि भैया कह रहे हैं, मिस्त्री भैया कह रहे हैं जी 1 महीने में बन जाएगा। आप अंदाज लगा लीजिए कि इतना विशाल का शिव मंदिर और शिव मूर्ति इतना जल्दी कैसे बन सकता है। चलिए आप उधर, तो चलिए अब हम आपको वीडियो में और भी आगे का कुछ सीन दिखाते हैं। और आप देख सकते हैं इस साइड में जो देख रहे होंगे ये शायद इस पोखर का नाम है 52 बीघा पोखर शायद, और सॉरी सरसई पोखर यही है जो मतलब कि। और इसके चारों चमगादड़, हाँ, इस मंदिर के चारों तरफ बहुत सारे चमगादड़ रहते। तो चलिए हम मंदिर से आप देख सकते हैं मंदिर ये पोखर जो है मतलब कि कितना बड़ा है। और चारों तरफ का सीन आप देखिए कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। महीना सावन का है, महादेव का समय है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और इधर में भी आप देख सकते हैं। और आने वाले दिन में, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं यहाँ पर, लेकिन आने वाले दिन साल दो साल में यहाँ पर एक रोजगार का एक ऐसा अवसर पैदा होगा कि लोग यहाँ पर आएंगे और रोजगार खोजेंगे और रोजगार मिलेगा भी, क्योंकि जिस हिसाब से यह मंदिर बन रहा है तो हमको लग रहा है कि ज़रूर है कि यहाँ के लोग को कुछ ना कुछ मतलब लाभ होने वाला है। फाइनली अभी हम मंदिर के ऊपर आ चुके हैं और आप यहाँ का नक्काशी देखिएगा तो आपको मतलब कि नक्काशी देखने के बाद लगेगा कि हाँ, इस जगह पे आने के बाद मन मोहक हो गया। और देख सकते हैं नक्काशी कितना बढ़िया तरह से बनाया गया। और बंगाल के मिस्त्री मतलब कि वेस्ट बंगाल से आए हैं मिस्त्री लोग, और ये भैया लोग जो देख रहे हैं ये लोग बंगाल से आए हैं और यहाँ पर यह मूर्ति बना रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको यहाँ का कुछ तस्वीर भी दिखाते हैं। यह देख रहे हैं, ये आप अंदाज लगाइए कि इतना बड़ा डमरू, जब इतना बड़ा डमरू होगा तो भगवान शिव का मूर्ति कितना बड़ा होगा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 170 फीट ऊंचा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, जो कि हाजीपुर के वैशाली के हाजीपुर में बनने जा रहा है। और बहुत जल्द ही इसका मतलब कि काम समाप्त हो जाएगा और इसका कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं मतलब यहाँ तक का काम पूरा एकदम फिक्स हो चुका है। और बहुत जल्द ही कंपनी आपको आगे सीन दिखाते हैं। और आप देखिए मंदिर के चारों ओर अगर घूमिएगा, इसके चारों तरफ देखिएगा, तो इस साइड अगर जैसे ही आइएगा तो आप कुछ इस प्रकार के सीन देखिएगा। अभी आप देख सकते हैं बाहर का कुछ इस प्रकार से सीन है। चलिए हम और भी आपको कुछ सीन दिखाते हैं और ऊपर कहाँ तक काम हुआ नहीं हुआ ये सब हम सारी चीज़ आपको बतलाते हैं।
और यहाँ पर से हम कुछ यूनिक चीज़ आपको दिखाते हैं। यहाँ से जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम आसमान में डायरेक्ट ताक रहे हैं। शायद ऊपर का काम बंद हो जाने से आपको नहीं। आपको नहीं दिख रहा होगा और देख सकते हैं यहाँ से कुछ सीन दिखा दीजिए और देख सकते हैं यहाँ से मतलब कि कितना लोहा का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चारों तरफ लोहा ही लोहा है। आइए इधर भैया, ऊपर जा सकते हैं ना, आपको ऊपर लेके चलते हैं। और शायद फाइनली अब हम ऊपर पहुँचने ही वाले हैं कि इसके ऊपर भी है, अभी चलने के बाद पता चलेगा। अभी तो फिलहाल हम बढ़ते ही जा रहे हैं और लगभग धरती से 40 फीट लगभग 40 फीट ऊपर आ चुके हैं और लगता है शायद फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं। मेरा दिल जीत लिया इस जगह ने, प्रकृति का वो सुंदर नज़ारा। और इस साइड आप देख सकते हैं ये शायद भगवान भोले बाबा का जो है शायद पहाड़ बनेगा। शायद मेरे हिसाब से ये पहाड़ होना चाहिए, जिस तरह से भगवान महादेव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए रहते, ठीक उसी तरह कैलाश पर्वत और मानसरोवर जैसा कुछ सीन होने वाला है यहाँ पर। और यहीं पर भगवान महादेव बैठेंगे और भी कुछ सीन दिखाते हैं आगे। आप वीडियो में बस कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो काफ़ी अच्छा होगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर ना है तो कम से कम मेरे लिए ना सही भगवान के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत करके हम इतना अच्छा ब्लॉग बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग के लिए बना रहे हैं। और भी कुछ सीन दिखाते हैं, बस आप कंटिन्यू इन वीडियो, आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो वीडियो अगर आप स्किप कीजिएगा तो फिर मज़ा नहीं आने वाला है। और भी कुछ सीन दिखाते हैं, यहाँ से तो यहाँ पर आ चुके हैं और देख सकते हैं, आप देख सकते हैं प्रकृति का सुंदर सा नज़ारा। मतलब आप देखिए कितना बड़ा पोखर है, मन करता है कि पोखर में ही नहा लें, लेकिन नहीं नहाएंगे, पोखर में नहाएंगे तो फिर कपड़ा नहीं ना लाए हैं।